हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथमेटिशियन शो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन इस तरह है, 81 raised to the power 0.2 इंटू 3 raised to the power 0.4 डिवाइडेड बाई 9 raised to the power 0.2 इक्वल्स 3 to the power x, और हम लोगों को x का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, 81 को हम लोग 3 के पावर में रिप्रेजेंट कर देंगे, यानी 3 to the power 4 whole to the power 0.2, ठीक है, इंटू 3 to the power 0.4 डिवाइडेड बाई, और 9 को भी हम लोग 3 के पावर में रिप्रेजेंट करेंगे, यानी 3² whole to the power 0.2 इक्वल्स 3 to the power x। हम लोग जानते हैं कि a to the power m whole to the power n इक्वल होता है a to the power m into n, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 3 to the power 4 into 0.2, यानी 0.8 इंटू 3 to the power 0.4 डिवाइडेड बाय 3 to the power, वही करेंगे यहाँ भी, ठीक है, जैसे यहाँ है तो 2 into 0.2 हो जाएगा 0.4 इक्वल्स 3 to the power x। हम लोग जानते हैं कि a to the power m into a to the power n इक्वल होता है a to the power m plus n, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ हो जाएगा 3 to the power 0.8 plus 0.4, और हम लोग ये भी जानते हैं कि a to the power m divided by a to the power n इक्वल होता है a to the power m minus n, मतलब यहाँ डिवाइड है और बेस सेम है सभी का, तो ये हम घटा देंगे, यानी -0.4 इक्वल्स 3 to the power x। दोनों बेस सेम हो गया, तो 0.8 plus 0.4 minus 0.4, यानी 0.8 equal x, तो x का वैल्यू हो गया 0.8। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।